है गाइस, मैं हूं विपिन और स्वागत है आपका टेक्नो विपिन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप खुद के नाम का लोगो जो है वो इंस्टाग्राम का बना सकते हो। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से आप खुद के नाम का लोगो जो है वो इंस्टाग्राम का बना सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से अपने खुद के नाम का लोगो जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों तो आज मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर समझाऊंगा किस तरीके से आप लोगो बना सकते हैं। ये जो प्रोफेशनल लोगो है ये आप इंस्टाग्राम के वीडियो में सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से लोगो है, ये आप अपने आप में जो है वो आप लोगो लगाकर आप सेट कर सकते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आज वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है, ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों जब आप इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आता है एंड इसमें ये जो न्यू टेक्स्ट है इसे डिलीट करना है। तो दोस्तों डिलीट वाले आइकन पर प्रेस करना है और ये सिंपली जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आता है एंड ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस है दोस्तों। एंड सिंपली अब आपको लोगो गैलरी में से लेना है। इस लोगो में आपको लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो आपको गैलरी में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ से जो है अपने लोगो जो डाउनलोड किए हैं वो आप यहाँ से PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, फिर आपको यहाँ से क्रॉप करना है एंड राइट वाली टिक पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लोगो जो है वो आपके पिक्सेल लैब में शो करने लगेगा एंड इसे आपको थोड़ा सा क्रॉप करना है अपने एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग। एंड फिर उसके बाद टेक्स्ट में जाना है एंड टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर नाम टाइप करना है। जैसे जो आपका नेम है वो आपको नेम टाइप कर देना है सिंपली। जैसे मेरा नाम है, मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, आपका जो नाम है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे मेरा नाम टेक्नो विपिन बाईटी, तो मेरा जो ये इंस्टाग्राम का आईडी है मैं टेक्नो विपिन बाईटी जो मेरा है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों करेंगे इस तरीके से टेक्स्ट बन के आ जाएगा एंड इसे अपने लोगों के सामने जो है वो एडजस्ट सेट कर लेना है। तो जैसे ही आप सेट करेंगे तो इस तरीके से आएगा एंड उसके बाद फिर ये एडजस्ट होने के बाद फिर उसके बाद फॉन्ट में जाना है। तो नीचे सेव करेंगे तो नीचे से सेव करने के बाद फॉन्ट का ऑप्शन आएगा जैसे कि इस तरीके से दोस्तों आ जाता है। एंड जब आप इसे सेव करेंगे तो फॉन्ट आएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको फॉन्ट पर जो है वो क्लिक करना है एंड यहाँ से जो है दोस्तों आप फॉन्ट पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है एंड जैसा कि आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से इतने सारे फॉन्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसे एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड इसमें ये जो फॉन्ट्स है ये फॉन्ट वगैरह जो है वो एडजस्ट हो गया है। एंड अब उसके बाद दोस्तों इसे सेट करना है एंड नीचे से चौथे वाले नंबर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो है आपको अपने हिसाब से दोस्तों फिर उसके बाद आपको सेव करना है एंड सेव करने के बाद यहाँ से जो है स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे ओपन करना है, ऑन कर देना है। ओके, इसे ऑन करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 3 कर देनी है, 3। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से शो करने लगेगा एंड दोस्तों फिर ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है एंड नीचे से आपको चौथे वाले नंबर पर क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में जाना है एंड यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर लेफ्ट साइड 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड 3 डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है एक्सपोर्ट इमेज कर लेना है। जैसे आप एक्सपोर्ट इमेज करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट आएंगे, PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से जो है डायमेंशन ये आपको अल्ट्रा पर कर लेनी है। जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए, अल्ट्रा पर करेंगे तो HD अल्ट्रा फोटो जो है वो सेव होगी। एंड दोस्तों ये कुछ इस तरीके से गैलरी में सेव हो गई है। आइए मैं दिखा देता हूँ ये गैलरी में किस तरीके से जो अभी लोगो बनाया है ये किस तरीके से शो करेगा। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है, गैलरी में जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको शो होगा
एंड फाइनली जैसा कि देख रहे होंगे आप, ये इस तरीके से शो होने लगा है। एंड दोस्तों ये इस तरीके से शो करता है, तो इसे आप इंस्टाग्राम के वीडियो में सेलेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, ये काफ़ी अच्छा लोगो जो है वो आपको दिखाई देगा जब आप इसे सेट करेंगे इंस्टाग्राम के वीडियो में। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।